आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के मिशन पर इंग्लैंड में है। शुरुआती दो मैचों में शानदार जीत भी हुई है, लेकिन इंतजार 16 जून का है जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। मैच से पहले स्टार स्पोर्ट्स ने एक विज्ञापन बनाया है जिसमें सीधे तौर पर ना सही लेकिन घुमा फिराकर भारत को पाकिस्तान टीम का बाप बताया गया। एड में पिता पुत्र का जिक्र इसीलिए है क्योंकि 16 जून को फादर्स डे है और उसी दिन भारत पाकिस्तान का मुकाबला है। इस विज्ञापन को हिट्स मिल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तीखी बहस छिड़ी है। ना सिर्फ बहस छिड़ी है बल्कि दोनों देशों की तरफ से विज्ञापन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। दरअसल ये विज्ञापन ठीक उसी तर्ज पर बनाया गया है जैसा पिछले वर्ल्ड कप में मौका मौका था। वो विज्ञापन काफ़ी हिट हुआ और लोगों ने खुलकर शेयर किया। शायद इसी मौके को एक बार फिर से बुनाने की कोशिश की गई है। नए विज्ञापन में भी वही एक्टर है जिसमें पाकिस्तान फैन की भूमिका निभाई थी। बस इस बार बांग्लादेश और भारत वाले किरदार बदले हैं। पहले आपको बता दें कि नए विज्ञापन में क्या है। दरअसल होता यूं है कि बांग्लादेशी किरदार पाकिस्तानी किरदार के पास आता है और फिर कहता है कि भाईजान मौका मौका सातवीं बार। फिर पाकिस्तान जवाब देता है कि अब्बू ने कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और सामने बैठा हिंदुस्तानी किरदार कह रहा है कि मैंने तुम्हें कब सिखाया। बस विवाद इसी पर छिड़ा है। सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि आखिर हम किसी देश को अपना बेटा कैसे कह सकते हैं जब देश इतना आगे बढ़ गया है, हर चीज में हम नंबर वन बन रहे हैं, तो फिर इतनी छोटी सोच क्यों है कि मेरा बेटा और मैं तेरा बाप। लेकिन सोशल मीडिया पर एक तबका और है जो इस विज्ञापन का दीवाना हो रहा है। लोगों को ये वीडियो मौका मौका ही लग रहा है और उन्हें अपना दीवाना बना रहा है। क्रिकेट फैंस को लग रहा है कि हर वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी भारत पाकिस्तान को हराएगा और क्रिकेट का बाप साबित होगा। जब स्टार स्पोर्ट्स के इस विज्ञापन पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी थी तब पाकिस्तान ने भी एक विज्ञापन जारी किया। इसमें भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन का मजाक उड़ाया गया है। इस विज्ञापन पर भारतीय नाराज हो गए हैं। हालांकि जवाब में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी तर्क दे रहे हैं कि जब अपने विज्ञापन में इंडिया उन्हें बेटा बता रहा है तो फिर पाकिस्तानी एड में अभिनंदन का मजाक क्यों नहीं उड़ाया जाए। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कोई आम मैच नहीं होता है। दोनों देशों के समर्थक इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं और जब बात वर्ल्ड कप की हो तो फिर जोश चरम पर होता है। इस बार मैच इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तानी ऐड और भारतीय ऐड दोनों ऐड देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर दबा के ये दोनों ऐड देख सकते हैं। इन दोनों देशों द्वारा जारी की गई इन ऐड पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ में हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।